तो बड़ी खबर कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, हत्याकांड का मास्टरमाइंड है राशिद पठान जो कि दुबई में रहता है। 2 महीने पहले ही इस साजिश को अंजाम देने के लिए वो भारत आया था। हत्या के लिए उसने अपने भाई यानी मोइनुद्दीन और अशफाक शेख को तैयार किया। मौलवी मोहसिन ने मोइनुद्दीन और अशफाक शेख को बरगलाया है। जो जानकारी इस वक्त मिल पा रही है स्पेशली इसी चीज के लिए वो भारत आया था। ये 5 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। कैमरे में वो आरोपी भी नजर आ रखे हैं जो भगवाधारी कुर्ता यहाँ पर पहने हुए हैं, और यही वो दोनों युवक हैं जो कि वहां पहुंचे थे उनके दफ्तर में और मिठाई का डिब्बा लेकर। और एक युवती भी नजर आ रही है, हालांकि उसकी चर्चा अभी ज्यादा नहीं हो रही है कि ये कौन है या क्या है, लेकिन एक युवती भी इस तस्वीर में नजर आ रही है। कमलेश तिवारी का पार्थिव शरीर बीती रात सीतापुर स्थित उनके पैतृक आवास पर लाया गया है, और अभी आप देख सकते हैं उनके तमाम समर्थक और जो नाते रिश्तेदार हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। भारी भीड़ लगी के घर के आसपास, और अगर महमूदाबाद इलाके की बात करें जहां पर कमलेश तिवारी का घर है, तो वहां पर एक तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। लखनऊ जिला प्रशासन ने देर रात ही कमलेश तिवारी का जो पार्थिव शरीर है उसे महमूदाबाद उनके परिवार के साथ रवाना कर दिया था, लेकिन परिवार अभी भी अपनी कुछ मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। परिवार का कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री यहां पर नहीं आते हैं कमलेश तिवारी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही लखनऊ SSP और नाका थाने के सभी कर्मचारियों को सस्पेंड करने की मांग परिवार द्वारा की जा रही है। तो अभी आप देख सकते हैं कि कमलेश तिवारी का जो पार्थिव शरीर है अभी भी उनके आवास पर ही है। परिवार अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री के न आने तक करने की बात कह रहा है। वीडियो न्यूज़ मधुफेम के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, सीतापुर।